विष्णु के बाबा एक ट्रक ड्राइवर थे और उनके घर की परिस्थिति खराब थी। जब भी विष्णु के बाबा घर आते, सुन विष्णु, मैंने उस होटल वाले से बात की है, कल से तू उसके यहाँ काम करने जाएगा। पर बाबा मेरी पढ़ाई। अरे पढ़ाई करके क्या करेगा, हर दिन सुन रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरी नहीं है, तो तू पढ़कर क्या करेगा, उससे अच्छा है कुछ काम सीख ले, कम से कम जिंदगी भर अपना पेट पाल सकेगा। पर बाबा मुझे पढ़ना है, आप चाहते हो कि मैं काम सीखूं, तो मैं शाम में पार्ट टाइम कर लूंगा ना। वो सब मैं नहीं जानता, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे घर चलाने में मेरा हाथ बटाना ही होगा। पर बाबा। पर वार कुछ नहीं, मैंने बोल दिया ना बस। अपने बाबा के फैसले से नाराज विष्णु वहीं गया था जहां वो अक्सर अकेले बैठकर पढ़ाई करता था, लाइट हाउस के पास। आज विष्णु विचलित था, वो पानी में पत्थर फेंके जा रहा था, उसमें गुस्सा भरा था। बाबा मेरी बात ही नहीं सुनते, मुझे और पढ़ना है, साइंटिस्ट बनना है, पर बाबा है कि मुझे वेटर बनने बोल रहे हैं, छे ऐसे जिंदगी से अच्छा है मैं मर जाऊं। दूर खड़े रविंदर काका विष्णु की हरकतें देख रहे थे, उन्हें समझ आ गया कि आज कुछ तो अजीब है। विष्णु हमेशा की तरह अपनी किताब में मग्न नहीं है, उससे बातें करने के लिए वो उसके पास आए। क्या हुआ बेटा, आज इतने परेशान हो? क्या बताऊं काका, बाबा को ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ना लिखना सब बेफिजूल है, वो चाहते हैं कि मैं होटल में काम करूं और पैसे कमाऊं। बेटा तुम्हारे पापा की सोच गलत तो नहीं है, वो बस चाहते हैं कि तुम उनकी मदद करो। गलत नहीं है काका, पर सही भी तो नहीं है, मुझे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, साइंटिस्ट बनना है, दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है। और बाबा को तो मेरी पढ़ाई से नफरत है, वो मुझे पढ़ता देखकर भड़क जाते हैं, उनके लिए तो मेरी पढ़ाई बेफिजूल काम है और मैं एक छोटा सिक्का हूँ। तो ये बात है विष्णु बेटा, तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जी काका बोलिए। मेरे पास ये पत्थर है, तुम इसे रोड पर जो गहने बेचते हैं उन्हें दिखाओ और पूछो वो कितने में खरीदेंगे। बस इतना? पर बेटा बेचना मत, बस दाम पता करो। विष्णु वो पत्थर लेकर रोड पर जेवर बेचने वालों के पास गया। भाई मुझे ये पत्थर बेचना है, तुम कितने दाम दोगे इसके? ये तो बकवास पत्थर है, मैं तो ये पत्थर नहीं खरीदूंगा, मुझे नहीं लगता तुम्हें इसके एक रुपये भी मिलेंगे। वो पत्थर लेकर विष्णु वापस रविंदर काका के पास गया। काका उस व्यापारी ने बोला ये पत्थर बकवास है, वो इसके एक रुपये भी नहीं देगा। ठीक है, अब एक काम करो, इस पत्थर को किसी जौहरी के पास ले जाओ और इसका दाम पता करो, याद रहे बेचना मत। विष्णु वो पत्थर जौहरी के पास ले गया। काका मुझे ये पत्थर बेचना है, क्या आप इसका दाम बता सकते हैं? जौहरी ने पत्थर को अच्छे से देखा, वो उसकी जांच करने लगा। अरे वाह वाह, ये तो असली माणिक है, वो भी इतना बड़ा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा माणिक नहीं देखा। अगर तुम्हें ये बेचना है तो मैं तुम्हें इसके 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। 2 लाख? विष्णु वापस रविंदर काका के पास पहुंचा और उन्हें जौहरी का दाम बताया। हो, एक और काम करोगे? जी बोलिए। अब इस पत्थर का दाम म्यूजियम में जाके पता करो। विष्णु वो पत्थर लेकर म्यूजियम चला गया। अंकल ये पत्थर मुझे बेचना है, क्या आप मुझे इसका प्राइस बता सकते हैं? म्यूजियम वाले ऑफिसर ने उस पत्थर को एक माइक्रोस्कोप के अंदर डाला, फिर कुछ चीजें नोट की, फिर वो पत्थर उन्होंने एक बड़े बॉक्स मशीन के अंदर डाला। अमेजिंग, ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? क्यों अंकल, ये बहुत ही नया पत्थर है, लगभग 400 साल पुराना। अंकल इसका दाम क्या होगा? बेटा तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास क्या है, इसका तो दाम करोड़ों अरबों में होगा, इस पत्थर की बोली लगेगी, क्या तुम्हें यह बेचना है? नहीं अंकल, मुझे तो बस इसका दाम पता करना है।
विष्णु वो पत्थर लेकर वापस काका के पास लौटा। उसने बहुत ही उत्साह से काका को सारी बात बताई। काका, आपके पास इतना महंगा पत्थर है, आप इसे बेचकर कितने अमीर बन सकते हैं। बेटा, ये मेरी पुश्तानी पत्थर है, मैं इसे बिल्कुल नहीं बेचूंगा। खैर, इन सब से तुम्हें क्या पता चला? यही कि एक पत्थर के कितने अलग अलग दाम हो सकते हैं। जिस तरह इस पत्थर के अलग अलग दाम है, उसी तरह तुम्हारी पढ़ाई का भी अलग अलग महत्व है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे बाबा के लिए तुम्हारी पढ़ाई फिजूल है। माँ को लगता है कि तुम पढ़ लिख कर कम से कम नौकरी तो कर ही लोगे, पर बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें कितना आगे ले जा सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मदद करूँ। घर जाकर बाबा को बोल दो तुम मेरी दुकान में काम करोगे, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा पढ़ने के लिए। ठीक है काका। विष्णु ने रविंदर काका की बात मान ली और उनकी दुकान में बैठकर पढ़ने लगा और अपने घर तनख्वाह ले जाने लगा। वहां उसके बाबा भी खुश थे और यहां वो भी खुश था। विष्णु एक दिन बड़ा साइंटिस्ट जरूर बनेगा और अपने सारे सपने पूरे करेगा। और इस कहानी ने हमें ये समझाया कि किसी भी चीज का सही मूल्य समझने के लिए उसे सही पारखी से ही जांच करवाना चाहिए, वरना बहुमूल्य रत्न भी मामूली पत्थर बन सकता है। अनीता और नितिन की लव मैरिज हुई थी। शादी के पहले नितिन और अनीता बहुत सारी चैटिंग करते थे और शायद इसलिए अनीता को हमेशा ऑनलाइन रहने की आदत सी हो गई थी। अनीता, अनीता, मेरे सॉक्स कहाँ हैं? अरे वहीं कहीं होंगे, ढूंढ लो। अनीता, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है ना? और मुझे भी लेट हो गया है, अब तक मैं फेसबुक पे लाइव नहीं आई आज। लेकिन तुम थोड़ी देर बाद भी लाइव आ सकती हो। नहीं, जैसा तुम्हारा ऑफिस इम्पोर्टेंट है, वैसे मेरा लाइव आना भी इम्पोर्टेंट है। मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नितिन और अनीता की अक्सर बहस होती थी। एक दिन की बात है, अनीता खाना बनाते बनाते फेसबुक पर लाइव थी। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अनीता बोल ही रही थी और उसका सारा ध्यान फोन में था और अचानक उसके हाथ से गरम गरम पतीला गिरा और उसका पैर जल गया। ये सब लाइव रिकॉर्ड हो गया था। नितिन ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने बोला कि अनीता को रेस्ट की जरूरत है। तब नितिन ने सोचा कि वो अपनी मम्मी को बुला लेगा। नितिन ने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और अगले ही दिन अनीता की सास घर संभालने आ गई। आते ही नितिन ने माँ को सारा किस्सा बताया। ये तो भगवान की कृपा है कि अनीता को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर बेटा अगर ऐसे ही उसका ध्यान भटकता रहा तो ना जाने क्या अनहोनी हो जाए। ये डर तो मुझे भी सता रहा है माँ, पर हम क्या कर सकते हैं? तुम मुझे ये बताओ कि ऐसे फेसबुक पे वीडियो डालकर अनीता को मिलता क्या है? माँ, फेसबुक पे लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। जब भी अनीता कुछ वीडियो डालती है तो उसकी सहेलियां उसकी तारीफ करती है और वो खुश हो जाती है। तो ये माजरा है। मैं समझा नहीं माँ। तू ये बता, जब भी अनीता तेरे लिए कुछ अच्छा करती है तो तू उसकी तारीफ या उसे थैंक यू बोलता है? नहीं माँ। बस यही तेरी गलती है, तू अपनी गलती सुधार ले और तेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारे समय में ये फेसबुक ऑनलाइन वगैरह नहीं था, पर फिर भी औरतें एक दूसरे की पंचायत करती रहती थीं। पर मैं कभी भी उन सब में नहीं थी, क्योंकि तेरे पापा बहुत समझदार थे। वो मेरी हर छोटी से छोटी चीज की तारीफ किया करते थे और मैं उस तारीफ में ही खुश रहती थी। पर क्या इससे अनीता बदल जाएगी?
तू ट्राई तो कर। तो माँ की बात मानकर नितिन ने अपनी पत्नी की तारीफ करना शुरू कर दिया। क्या बात है अनीता, आज तो कहर ढा रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो इस साड़ी में। सच में मैंने ये साड़ी कितने सालों बाद पहनी है, तुम्हें अच्छी लगी है तो मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स को भी अच्छी लगेगी, मैं अभी उन्हें दिखाती हूँ। अनीता की बात सुनकर नितिन माँ की ओर देखने लगा और माँ ने नितिन को इशारा किया कि सब्र रख। अगले दिन अनीता ने नितिन के लिए चाय बनाई। अरे वाह, क्या चाय बनाई है तुमने अनीता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। थैंक यू, अब से मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसी ही चाय बनाऊंगी। अपनी चाय की तारीफ सुनकर अनीता बहुत खुश थी और नितिन और माँ का प्लान काम करने लगा। अब अनीता हमेशा कुछ न कुछ बनाया करती थी, कभी खाना बनाती तो कभी घर के डेकोरेशन की चीजें, और नितिन भी अनीता की बहुत सारी तारीफ किया करता था। धीरे धीरे अनीता ऑनलाइन बहुत कम जाने लगी। माँ और नितिन की तारीफ और प्यार से वो खुश थी। एक दिन अनीता बाजार गई थी और नितिन और माँ बातचीत कर रहे थे। माँ, तुम्हारा प्लान तो सक्सेसफुल रहा। क्यों नहीं रहता, अरे मेरे सालों का तजुर्बा जो है। और पता है माँ, मैं और अनीता आजकल झगड़ा भी नहीं करते। बहुत अच्छे बेटा, और मैं देख रही हूँ कि आजकल अनीता बहुत कम फोन पे रहती है। सब तुम्हारी वजह से, थैंक यू माँ। ये सब दरवाजे पर खड़ी अनीता सुन रही थी। अनीता को देखकर नितिन और उसकी माँ थोड़े घबरा गए। उन्हें लगा कि अनीता गुस्सा करेगी, पर जब अनीता घर के अंदर आई तो उसने अपनी सास के पैर छू लिए। थैंक यू माँ, आपकी वजह से मुझे समझ आ गया कि असली खुशी क्या होती है। अनीता की सास ने अनीता को गले लगा लिया और फिर 24/7 ऑनलाइन रहने वाली बहू 24/7 फैमिली बहू बन गई। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि रियल हैप्पीनेस अपनों के साथ है, वर्चुअल लाइफ तो वर्चुअल ही होती है। तो प्लीज अपने अपनों को टाइम दें।